नमस्कार, मैं आज आप लोग से किडनी और उससे रिलेटेड डिजीजेस और ये हमारे डे टू डे फूड हैबिट्स या लाइफस्टाइल से कैसे इफेक्ट हो रहा है ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, किडनी में स्टोन फॉर्मेशन एक कॉमन डिजीज होते जा रहा है और इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। पिछले अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो वो पास्ट डिकेड से इसके पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली इसका रिलेशन हमारे जनरल फूड हैबिट्स से है। फूड हैबिट्स में बात करूँ तो किडनी स्टोन के को लेकर बहुत सारा ये भी सजेशंस दिया जाता है कि आपको खाने पीने में सर्टेन फूड्स आइटम नहीं खाने हैं। और जिनको एक बार स्टोन हो जाता है तो मैंने देखा है पेशेंट खुद से या किन्हीं के बताने पर बहुत सारे वो फूड आइटम्स को खाना बंद कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको कोई जो घर में हेल्दी फूड्स जो हमारे यहाँ बन रहा है वो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है या जो भी खाने पीने का चीज़ है उसको बंद करने का ज़रूरत नहीं है। किडनी स्टोन का रिलेशन दो प्रोमिनेंट कॉजेज होता है। एक तो अगर हम अपने आप को हाइड्रेट नहीं रख रहे हैं प्रॉपरली तो किडनी स्टोन का इंसिडेंस या फॉर्मेशन होने का रिस्क रहता है। तो यू शुड ट्राई टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। अब हाइड्रेशन का मतलब है आपको रेगुलर इंटरवल पर पानी या हेल्दी लिक्विड लेते रहना है। और ये जैसे कई लोगों का हैबिट होता है कि अगर मैंने पानी पीना है तो एक बार में एक लीटर पी लिया, तो ये हैबिट सही नहीं है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड एट फ्रिक्वेंट इंटरवल यू हैव टू टेक सम लिक्विड। वो पानी हो सकता है, वो फ्रूट जूस हो सकता है, वो लेमन वाटर हो सकता है। तो हाइड्रेशन इम्पॉर्टेंट है। और एक्सटर्नल वेद कई बार लोगों को ये भी सवाल रहता है कि कितना पानी पीना चाहिए, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पानी का सीधा इंटेक का कनेक्शन एक्सटर्नल टेम्परेचर से होता है। अभी ठंड का मौसम है तो ऑब्वियसली हमें हमारे बॉडी को पानी का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। अगर गर्मी का मौसम है तो पानी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। जब एक्सट्रीम हॉट वेदर है, लू चल रहा है, तो पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आपका पानी का रिक्वायरमेंट इस हिसाब से होना चाहिए कि आपका यूरिन क्लियर हो रहा है। अगर यूरिन डार्क स्ट्रॉ कलर्ड हो रहा है, येलोइश हो रहा है, तो आपके मतलब आपके बॉडी में पानी का इंटेक कम हो रहा है, तो उसको आपको सप्लीमेंट करना है। आपको यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा वाटर। दूसरा, खाने पीने में आपको यू हैव टू टेक हेल्दी फूड आइटम्स, जो फास्ट फूड आइटम्स है या बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं जो फूड्स में डाला जाता है, इससे रिलेटेड ये सब फूड आइटम्स को अवॉइड करना है। और ऑलवेज ट्राई टू टेक फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हेल्दी डाइट। तो ये सब कुछ जनरल बातें हैं जो आपको खान पान और जनरल फूड हैबिट्स के बारे में ख्याल रखना है, जिससे आप स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम से को कम कर सकते हैं। थैंक यू।